दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला का एनेक्सी भवन के सभागार में सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसके संबंध में बीएसए रमेंद्र सिंह ने बताया कि समर्थ ऐप के माध्यम से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी दिव्यांग बच्चों के अध्यापक शामिल हुए। जनपद में 6,742 दिव्यांग बच्चे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दिव्यांग बच्चों को भी समान बच्चों की तरह शिक्षा दे रहे हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा शिक्षा से ना छूटे, क्योंकि दिव्यांग बच्चों में भी प्रतिभा होती है। वह अपने प्रतिभा का उपयोग करते हुए अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनते हैं। उन्होंने कहा, दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल एजुकेटर्स तैयार हैं, नोडल अध्यापक तैनात हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उनके घर जाकर उनकी समस्या को जानते हैं। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को उनके घर पर भी शिक्षा दी जाती है। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा, होते हैं कि क्या क्या वो अचीव करेंगे, क्या कैसे करेंगे, कौन सी एक्टिविटी कराएंगे। नोडल शिक्षक और स्पेशल एजुकेटर हमारे इस पे जो एक्टिविटी दिन भर उन बच्चों से कराते हैं उसको भी अपडेट कर, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और जनपद स्तर पे जिसको एक्सेस किया जाता है, तो ये पोर्टल है हमारा समर्थ का, जिसपे हम देखते हैं कि हमारे जनपद का जो टारगेट है प्राप्त की जा रही है, कितने बच्चों की आईपी हमारे स्पेशल एजुकेटर के द्वारा बनाई गई है, ये ब्लॉक वाइज के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है। इसी तरह होम बेस्ड एजुकेशन में एक एक बच्चे की रिपोर्ट होती है। हमारे होम बेस्ड एजुकेशन में सुविधा प्रदान की जा रही है, क्या की जा रही है, एक्टिविटी कौन सी कराई जा रही है, ये सारी चीजें इस पे डिटेल में होती है। उनकी व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनानी है, वो योजना कितने बच्चों की हमारे स्पेशल एजुकेटर के द्वारा बनाई गई, उसमें कितने में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, ये नोडल टीचर और स्पेशल एजुकेटर दोनों के माध्यम से इसको देखा जाता है और इसमें सुधार किया जाता है, और इसी के अनुसार उनकी जो निपुण लक्ष्य के पैरेलल उनको तैयार करना है, निपुण लक्ष्य के लिए तैयार करना है, उसमें इससे मदद मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिव्यांग बच्चों को हम दो तरह की इंसेंटिव्स देते हैं, जिसमें स्टाइपेंड और स्कार्ट अलाउंस है। तो स्टाइपेंड के लिए हमारे जनपद में ये बालिकाओं के लिए है, 300 बालिकाओं को इस साल हम लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं, जिसमें 200 रुपया प्रतिमाह उन बालिकाओं को दिया जाता है। ये भी पोर्टल के माध्यम से और ऐप के माध्यम से ही इनका चिन्हीकरण, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी है। ऑफलाइन मोड में पहले फॉर्म लिए जाते थे, उन सारी चीजों को अब डिजिटलाइज कर दिया गया है। इन बच्चों का चयन नोडल टीचर के माध्यम से किया जाता है। ऐसे बच्चे जो 60% से अधिक उपस्थित होते हैं अपने विद्यालयों में, ऐसी बालिकाएं, उनको हम लोग 200 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड देते हैं। इसके लिए एक ही जरूरी चीज है, वो है 40% से अधिक की दिव्यांगता है, तो उसको विद्यालय लाने के लिए एक स्कार्ट की जरूरत होती है। वो स्कार्ट उसको प्रतिदिन व्हीलचेयर के माध्यम से या कोई दृष्टि स्कूल लाता है, स्कूल से ले जाता है शाम को। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग 600 रुपया प्रतिमा स्कार्ट अलाउंस देते हैं। इसमें भी जनपद गोरखपुर का हम लोगों ने 75% अचीव कर चुके हैं, 25% बचा हुआ है। डीबीटी के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर होते हैं, ये हम दिसंबर तक ट्रांसफर कर लेंगे। आज एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है समर्थ ऐप के माध्यम से। हम लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं अपने टीचर्स में, अपने SRG ERP और नोडल टीचर्स स्पेशल एजुकेटर्स में। हमारे जनपद में कुल 6,742 दिव्यांग बच्चे हैं, जिनका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और इनको भी हम लोग सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा दे रहे हैं, और पूरी मेहनत के साथ हमारा विभाग इनके साथ लगा हुआ है। तो किसी भी प्रकार के कोई भी दिव्यांग बच्चा है, हम लोगों का उद्देश्य है कि वो छूटे ना, वो भी मुख्य धारा से जुड़े, और उसमें भी प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा का वो अपना उपयोग करते हुए अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। कितने बच्चे हैं जिले में और किस तरह? हमारे जिले में 6,742 बच्चे हैं, जिसके लिए हमारे स्पेशल एजुकेटर्स तैनात हैं,
हमारे नोडल टीचर्स तैनात हैं। ये टीचर्स इन बच्चों को इंगेज रखते हैं, मतलब अगर स्कूल नहीं आते हैं तुरंत उनके घर जाते हैं, घर पे भी उनकी समस्याएं सुनते हैं। बहुत से ऐसे हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, इनको होम बेस्ड एजुकेशन वहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं सबको बेहतर शिक्षा दी जा रही है।